फ्रेंड्स, बस ये चीज़ लगा लो, सिर्फ 7 दिन मेरे बताए तरीके से आपके बाल घने, काले और चमकदार बन जाएंगे, और जो सफ़ेद बाल आपके हो रहे हैं समय से पहले, वो टूटेंगे नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह ये नुस्खा बना रहा हूँ, तो दोस्तों बस आपको इसी तरीके से ये नुस्खा बनाना है। यकीन मानिए, आपके बाल जरूर चमकदार बनेंगे और इतने घने बनेंगे कि आपको बाल कटवाने पड़ेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों बता दूं कि जो भाइयों बहनों मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों पहले आपको क्या करना है कि एक प्लेट या एक कटोरी ले लेना है, और आपको एक खीरा लेना है। खीरा मतलब ककड़ी। ककड़ी आप दो टाइप की आती है, एक सफ़ेद रंग की आती है, एक हरे रंग की आती है। तो मैंने एक हरे रंग की ककड़ी ली है। तो दोस्तों इसमें आपको 1/4 या आधा यूज़ कर सकते हैं ककड़ी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ककड़ी की ज़रूरत नहीं है। जब ककड़ी बड़ा है तो उसमें बहुत सारे पानी निकलते हैं, तो हमको जितने बाल जितने बड़े हैं उसके हिसाब से लेना। अगर महिला है तो उन्हें पूरा एक ककड़ी यूज़ करना है। तो दोस्तों हमें ककड़ी क्यों लेना है कि ककड़ी में दोस्तों बहुत ही अच्छे सारे गुण होते हैं और अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों आपको ककड़ी को इस तरीके से लेके रब करना है, स्क्रब मीन्स आप जैसे कद्दूकस बोलते हैं उस तरीके से इसे कद्दूकस कर लेना है। तो बराबर से कद्दूकस करके इसका जो जूस होता है उसको हमें निकालना है। तो जूस किस तरीके से निकालना है आप देख रहे हैं। इसको पहले मैंने कद्दूकस कर लिया है, अब मैं छलनी की मदद से इसे इसके अंदर डाल के और चम्मच से लगा के इसका मैं इसे जूस निकाल लूँगा। दोस्तों इसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है ककड़ी में, और ककड़ी क्या करता है कि ककड़ी बोले तो खीरा आपके बालों को मजबूत करता है और आपके बालों को लंबा और घना करने में बहुत सारा मदद करता है। दोस्तों इसके अंदर विटामिन सी हाई मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके बालों को नरिश करता है। दोस्तों दूसरी चीज़ लेना है आपको प्याज। प्याज लेना है आपको, लाल वाला प्याज लेना है। जो आपके बाजारों में सफ़ेद और लाल मिलता है तो आपको लाल वाला मिलता है लेना है, क्योंकि दोस्तों लाल वाले प्याज के अंदर भारी मात्रा में सल्फर होता है, जो आपके बालों को पोषक के लिए बहुत ही फायदा करता है। सल्फर जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदा करता है। फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको कि आपको जो स्क्रबर की मदद से इसे अच्छे से घीस लेना है। घीसना इसलिए क्योंकि इसका हमें जूस निकालना है। आप इस तरीके से घीसना है कि अपने हाथ में बचा के घीसना है, आपको अपने हाथ में लगना नहीं चाहिए। तो आराम से इस तरीके से घीस के इसका पूरा जो है लाल कलर का कद्दूकस हम इसे निकाल लें। अब इसको क्या करना है, छलनी की मदद से इसे अच्छी तरीके से छान लेना है। चम्मच की मदद से इसे निकाल लीजिए और छलनी में डाल लीजिए। दोस्तों हमें प्याज क्यों लेना है, क्योंकि प्याज में बहुत सारा सल्फर होता है। प्याज लगाने से आपको क्या, बालों की जो ग्रोथ होती है, जो रुकी हुई ग्रोथ, वो जल्दी जल्दी होने लगता है। प्याज का रस लगाने से दोस्तों क्या होता है, दो मुँह बाल की जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। प्याज में क्यों लगाना, क्योंकि दोस्तों प्याज में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए अगर आप प्याज का रस लगाएंगे तो आपकी बालों की जो रूसी की समस्या है वो ठीक हो जाती है। बालों का दूसरे मुँह जो निकलते हैं, दो मुँह निकलते हैं, वो ठीक हो जाता है, और बाल एक दूसरे में झुलसते हैं, फंसते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। बाल हमेशा शाइनिंग रहता है, आपकी बालों हवा में लहराते रहता है। तो दोस्तों प्याज का रस इसी के लिए हमें लगाना है। तो आपको बालों को लॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और आपकी बालों की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मैंने प्याज का रस 4 चम्मच इसमें खीरे के रस में मिक्स कर दिया है। तो आपको 4 चम्मच प्याज का रस लेना है, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दोस्तों आप यकीन मानो, अब ये नुस्खा आप अपने बालों में 30 मिनट तक लगा के रखना है। 30 मिनट तक लगा के रखो, यकीन, अगर ज़्यादा रखोगे 1 घंटे तक लगा के रखोगे तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो इस तरह अपने बालों में लगाकर फिर बाद में कोई भी माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए, या तो हफ्ते में एक बार बाल धो लीजिए, ज़रूर आपको